हाई गाइज आई एम हियर विद डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस दीज सेटेंसेज आर डज़ इट है विद यू वॉट डू यू हैव टू से हाउ डेयर यू टू टच मी एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री दैट डे इज नॉट फार अवे दिस डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू इज दिस द वे टू बिहेव योर फेस इज़ नोन टू मी एनी थिंग दैट यू फील लाइक डोंट इवन थिंक सो डियर फ्रेंड्स बी यूज दिस सेंटेंसेज इन अवर कन्वर्सेशन तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए शुरू करते हैं कि इन सेंटेंसेस का किस प्रकार से यूज करते हैं डज इट हैपन विथ यू कभी कभार आप बोलते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और दूसरों से पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे डज इट हैपन विद यू और जब हम किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो या आपके पास कहने के लिए क्या है तो इसके लिए यूज करते हैं व्हाट डू यू हैव टू से व्हाट डू यू हैव टू से आपको कहना क्या है और कभी कभार कोई व्यक्ति हमको किसी गुस्से में आकर के छूने लगता है पकड़ने लगता है तो हम कहते हैं हाउ डे यू टू टच मी मुझे तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू टच मी कहीं कहीं पे कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि जो होता है मुख्य साधन होता है प्रभावित करता है इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री यानी कि कृषि प्रभावी देश लाइक इंडिया दैट डे इज़ नॉट फार अवे कभी कभार हम बोलते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा और उसी को ऐसा कहना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा होगा तो आ, इसी को बोलते हैं दैट डे इज़ नॉट फार अवे वो दिन दूर नहीं है और जब किसी व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब हमारे यहाँ आना चाहें आप आ सकते हैं या आपको जो कुछ भी हमसे कोई भी मदद की ज़रूरत हो आप ले सकते हैं ये दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है इसी को बोलते हैं दिस डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू दिस डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू यह दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है और जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो हम उससे पूछते हैं इज दिस द वे टू बिहेव क्या आप मुझसे इस तरह से पेश आएंगे क्या आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करेंगे इज दिस द वे टू बिहेव जब किसी व्यक्ति को हम अच्छी तरह से पहचानते नहीं ऐसा लगता है कि उसके चेहरे को देखा हुआ है जाना पहचाना सा लगता है तो इसी के लिए बोलते हैं योर फेस इज़ नोन टू मी योर फेस इज़ नोन टू मी आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है योर फेस इज़ नोन टू मी और जब बोलते हैं कि आपको कौन सा चीज़ अच्छी चाहिए या मैं आपके लिए कुछ ले लेके आना चाहता हूँ कौन सा वाला अच्छा रहेगा और आप कहते हैं कि आ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगेगा तो एनी थिंग दैट यू फील लाइक कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे और जब कभी हम किसी के बारे में ऐसा बताते हैं कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा तो और तो हम कहते हैं कि वो ऐसा इंसान नहीं है उसके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं तो डोंट इवन थिंक सो डोंट इवन थिंक सो ऐसा सोचना भी नहीं तो डियर फ्रेंड दीज आर सम सेंटेंसेस आई होप कि आपको इनमें से एक या दो सेंटेंस तो अवश्य ही नए होंगे आपने सीखे होंगे यदि एक या दो सेंटेंस भी आपको पसंद आए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इफ़ यू प्रैक्टिस दी सेंटेंसिज अगेन एंड अगेन बाई रीडिंग बाई राइटिंग और ओनली बाई लिसनिंग देन यू कैन ऑल्सो यूज दि सेटेंसेज इन योर कन्वर्सेशन एंड यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश थैंक यू फॉर वॉचिंग